हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। आज हम चैप्टर 5 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ करेंगे। आइए इसे समझते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, यानी यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दिए गए हैं, तीन एग्जांपल हैं, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड द सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो ए इज टू बी। यानी आप इसे एक एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेगमेंट ड्रॉ किया है पी और क्यू नाम का, और इसको कोई पॉइंट ए है जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और क्या रेशियो दे रहा है, ए इज टू बी, यानी ये पार्ट ए हो गया, ये बी हो गया। लास्ट सेशन में मैंने इसे एम इज टू एन से रिप्रेजेंट किया था, मैंने इसे एम इज टू एन से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर ये रेशियो ए इज टू बी दिया हुआ है। आपको घबराना नहीं है, आपको सेम फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है और वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, इसे आप एक्स वन और वाई वन कंसिडर कर लें, ये वैल्यू आपकी एक्स टू एंड वाई टू हो जाएगी। और अब आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। आपको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो आप लिख लो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एक्स एंड वाई, ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए। और ये जैसा मैंने यहाँ बताया है, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बाकायदा लिखना होगा जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था। फिर बता देता हूँ, जैसे एक्स वन है मेरा -3, वाई है मेरा 7, और एक्स टू हो गया मेरा 1, और वाई टू हो गया मेरा दैट इज़ -4। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। एक्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पुट कीजिए। फॉर्मूला है एम एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, करेक्ट। चलिए जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे एम जो है वो ए से रिप्लेस हो गया है, आप ये देखिए, और जो एन है वो बी से रिप्लेस हो गया है। एम आई राइट, गो हैड। तो ए का रेशियो और बी का रेशियो हम पुट करेंगे, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी 2, तो एम की जगह आप 2 ले लो, क्योंकि एम आपका किससे रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, ए से ना बेटा। तो जो ए की वैल्यू होगी वो एम की होगी, और ए की वैल्यू है 2, तो एम की जगह हम लिखेंगे 2 एक्स टू 1 प्लस एन, एन है मेरा 1, एन यानी कि बेटा बी, आप चाहो तो इधर लिख सकते हो एम इज टू एन, तो आप घबराओगे नहीं। और एक्स वन क्या है आपका -3 अपॉन 1 प्लस 2, यानी कि एम प्लस एन, ए प्लस बी, कुछ भी बोलो, बात एक ही है। 2 वन ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, साइन किसका आएगा बेटा, नेगेटिव, माइनस आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा माइनस, 2 माइनस 3 अपॉन 3, सो 3 में से 2 जाएगा, साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज़ -1 अपॉन 3, ये कोऑर्डिनेट आ गया किसका, एक्स का। सिमिलरली वाई का फाइंड कीजिए, क्या करोगे, एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन। चलिए तो वाई की वैल्यू हो जाएगी आपका, वाई टू आपका -4 है, -4 लीजिए, और y1 क्या है आपका बेटा 7, ये ए बी ए बी आता रहेगा नीचे, a प्लस बी। 1 प्लस 2 लिखो, 2 प्लस 1 लिखो, बात एक ही है। 2 4 ज़ा 8 -8, 7 1 ज़ा 7 अपॉन 3, माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस होगा, 8 में से 7 जाएगा 1 आएगा, साइन ऑफ बिगर नंबर -1 अपॉन 3। सो y का भी कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला, -1 अपॉन 3। तो a का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, -1 अपॉन 3 कॉमा -1 अपॉन 3। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन अब मैं यहाँ पर बेटा ये फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूँगा, वो आपको लिखना है। और एक कोऑर्डिनेट जो मैंने x1, y1
एक्स टू वाई टू मैंने इमेजिन किया है, ये भी आपको ले लेना है समझकर। मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। तो जैसा कि आपका एम एन हो गया है, तो आइए पहला वैल्यू किसका लिखेंगे बेटा, फॉर्मूला के हिसाब से एम का वैल्यू पहले होता है। मैंने क्या कहा, आप इसे एम इमेजिन कर लो, इसे एन इमेजिन कर लो। तो एम यानी कि थ्री की वैल्यू इनटू ये आपका है एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू। जल्दी से एक्स टू की वैल्यू बोलिए, फोर प्लस यहाँ आएगा एन, एन की वैल्यू यानी कि फोर बी, यहाँ आएगा आपका माइनस फाइव। नो नॉट माइनस फाइव, एक्स वन बेटा एक्स वन माइनस टू, माइनस टू अपॉन थ्री प्लस फोर इक्वल टू थ्री, फोर ज़ा ट्वेल्व, फोर टू ज़ा एट, साइन किसका आ जाएगा बेटा माइनस का, अपॉन सेवन, दैट इज फोर अपॉन सेवन। इस तरीके से एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वाई की वैल्यू थ्री तो आएगा ही बेटा, अब खाली वाई टू ले लो, वाई टू है आपका थ्री प्लस सॉरी फोर, एन आपका फोर है, और यहाँ वाई वन माइनस फाइव अपॉन थ्री प्लस फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन हो जाएगा बेटा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, अगेन माइनस है तो लगा देना माइनस, माइनस प्लस ओके, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी साइन। सो जब कोई एक नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई होता है तो साइन मल्टीप्लाई का नेगेटिव ही आएगा, याद रखना हमेशा। नाइन्टी माइनस ट्वेंटी माइनस नाइन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस इलेवन अपॉन सेवन। तो ये दो कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए किसके, पॉइंट ए के, एक मिला मुझे फोर अपॉन सेवन और दूसरा मिला मुझे माइनस इलेवन अपॉन सेवन। इस तरीके से बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन अब पी के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर भी मुझे ए का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तीनों ही कंडीशन में मुझे ए के कोऑर्डिनेट ढूंढने थे। तो चलिए जल्दी से, मैं ये थोड़े से स्टेप्स इसमें स्किप कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बन सके, आपको ये प्रॉपर स्टेप वाइज करना है। चलिए जल्दी से x की वैल्यू के लिए, इसे आप m इमेजिन कर लो, इसे आप n इमेजिन कर लो, ये आपका हो गया x1, y1, x2, y2, पुट द वैल्यू। नाउ m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, m प्लस n, फोर वन जा फोर प्लस टू टू जा फोर अपॉन थ्री, सो माइनस प्लस फोर माइनस होगा, फोर में से फोर गया ज़ीरो अपॉन थ्री, द आंसर इज ज़ीरो। ओके नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वन इंटू वन प्लस टू इंटू सिक्स, वाई वन आ रहा है बेटा, हाँ वाई टू, वाई टू और वाई वन, वाई टू है वन, वाई वन है मेरा सिक्स अपॉन वन प्लस टू, सो वन वन जा वन, टू सिक्स जा ट्वेल्व अपॉन थ्री विच इज़ थर्टीन अपॉन थ्री। सो हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ज़ीरो एंड थर्टीन अपॉन थ्री। सो दिस इज़ हाउ वी फाउंड ऑल द आंसर्स। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन प्लीज़ टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ इट, आप चाहो तो यहाँ पे तीनों सम्स के स्क्रीनशॉट को यहाँ ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।